नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन राठौर और आज के समसामयिक चर्चा में आज आपको मैं एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी दे रहा हूं। चाइना ने जो कोरोना वायरस को लेकर चेतावनी दी है वह बेहद खतरनाक है। चाइना का यह कहना है कि यह वायरस अब हवा में तैरकर लोगों को संक्रमित करने लगा है। निश्चित रूप से इस पूरी खबर से सभी देशों में यानी पूरे विश्व में हल्ला मच गया है और लोगों को एक अनजाना भय सताने लगा है। कुल मिलाकर जो चाइना ने खुलासा किया है उसके तथ्य बेहद चौंकाने वाले हैं। चाइना का यह कहना है कि कोरोना वायरस अब हवा में मौजूद सूक्ष्म बूंदों से मिलकर संचरण करने लगा है और वह हवा में तैरते हुए दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर रहा है। अगर यही स्थिति रही तो इसे रोक पाना बेहद कठिन हो जाएगा। कुल मिलाकर अब तक वायरस की डायरेक्ट ट्रांसमिशन और कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसमिशन की ही पुष्टि हुई थी, लेकिन अब संघाई सिविल अफेयर्स ब्यूरो के उप प्रमुख का कहना है कि एरोसोल ट्रांसमिशन का मतलब है वायरस हवा में मौजूद सूक्ष्म बूंदों से मिलकर एरोसोल बना रहा है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार इसमें सांस लेने पर संक्रमण हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, इसके मद्देनजर हमने अपील की है कि लोग संक्रमण से बचने के उपायों को लेकर जागरूकता बढ़ाएं। तो हालांकि चीन ने यह भी कहा है कि इस हफ्ते उसके केसों में कमी दिखी है। शनिवार को 503 केस सामने आए जो कि सोमवार के मुकाबले 43% कम है। अब कुल मिलाकर इस खबर ने बेहद चौंका दिया है। इस बीच भारत सरकार ने भी चीन से आने वाले यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगा दी। 15 जनवरी 2020 या उसके बाद जो भी विदेश चीन गए हैं उन्हें भारत में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। ऐसे यात्रियों को हवाई, सड़क या समुद्री रास्ते भी भारत आने की अनुमति नहीं मिल रही है। यह प्रतिबंध नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार की जमीनी सीमा से आने वाले लोगों पर भी लागू हो रहा है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.